నమః కుండలిని మాతా శక్తి మాతా శక్తి నమో నమః ఆదిశక్తి నమో నమః సర్వశక్తి నమో నమః ప్రథమాం భగవతి నమో నమః కుండలిని हमारी ओर से दाव खेलेंगे मामा शकुन। मामा शकुनी तुम्हारी ओर से दाव खेल सकते हैं। खेल में पराजित हो गई वस्तुओं को स्वेच्छा से विजेता के अधीन सौंपना होगा। मोहिनी, हमें हस्तिनापुर की वायु में षड्यंत्र का आभास हो रहा है। स्मरण करो मोहिनी, विदुर पिताश्री ने कहा था, पांडवों की सफलता एवं वैभवता देखकर कौरव ईर्ष्या से जल रहे, वो सीधे पांडवों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, अतः छल से कपट से लूट क्रीड़ा में पांडवों को पराजित करना चाहते हैं। किंतु आप आशंकित क्यों हैं? ये केवल द्युत कीड़ा तो है। मनुष्य एवं पशु में जो अंतर होता है वो विवेक एवं मर्यादा का होता है। ईर्ष्या से ग्रस्त एक व्यक्ति जब अपना विवेक मर्यादा का साथ छोड़ देता है तो वो पशु समान हो जाता है एवं तब उसे किसी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। मोहिनी, हम आशंकित हैं ईर्ष्यावश ये कौरव भ्राता कहीं उसी पशुता को प्राप्त न कर ले। मोहिनी, आज हमें वासुदेव की अनुपस्थिति अत्यधिक अनुभव हो रही है।
बंगला दाव। आप जो भी स्वर्ण मुद्राएं एवं संपत्ति इंद्रप्रस्थ से लेकर आए थे वो सब हार चुके हैं। क्या दांव पे लगाओगे ये रिश्ते? भ्राता, आप जो भी स्वर्ण मुद्राएं एवं संपत्ति इंद्रप्रस्थ से लेकर आए थे वो सब हार चुके हैं। अतः खेल को यहीं समाप्त कर देना ही उचित होगा। प्रिय युधिष्ठिर, क्या तुम पराजित होकर उठना चाहोगे? तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो, अपनी प्रतिष्ठा का कुछ तो मान रखो। अपने अपने आभूषण दो।
अगला दांव। मामाश्री, अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन दिखाइए और मार लीजिए दाव। अवश्य। मामाश्री शकुनी को द्युत क्रीड़ा में पारंगत प्राप्त। उनके हाथों में जादू है, जादू। उनके हाथों से जब गोटियां निकलती हैं तो सिर्फ जय होने को। हम इंद्रप्रस्थ से लाए समस्त अंग रक्षक एवं समस्त सैनिक दाव पर लगाते हैं। श्री शकुनी को युद्ध क्रीड़ा में पारंगत प्राप्त। उनके हाथों में जादू है, जादू। उनके हाथों से जब गोटियां निकलती हैं तो सिर्फ जय होने को। रुको, अगले दाव के रूप में इंद्रप्रस्थ से लाए हुए समस्त रथ, हाथी, घोड़े, अस्त्र वस्त्र सब कुछ दाव पर लगा है। अवश्य पुत्र, हम तुम्हारे दांव को स्वीकार करते हैं। हमारा
हम इंद्रप्रस्थ से लाए समस्त दास दासियां, परिचारिकाएं, अंग रक्षक एवं समस्त सैनिक दाव पर लगाते हैं। मामाश्री क्या कहते हैं? कहना क्या है भांजे? युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं। इनकी आज्ञा की अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूं? हम जीत गए। मामाश्री बिना संपत्ति बिना दास दासियों के चक्रवर्ती सम्राट अब और किसे दांव पर लगाएंगे? हम पांडव पुत्र युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को दांव पर लगाते हैं।